अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो अभी आया हूँ मैं मेरे कबूतर खोलने, तो कबूतर खोलते और फिर मिलते। तो ये मेरे कबूतर है, ये सब और भी है दो चार ऊपर है, वो खोला तब ऊपर चले गए, दिखाता हूँ आपको मैं। कर एक कबूतर घर में, तो ये मेरे इधर बच्चा निकला था, तो अब इसको पकड़ते। तो गाइस ये एक जोड़ा है मेरा, ये जो हंगेरियन मेल है और इसको ये फीमेल लगाया हूँ मैंने शेंडी बॉटम, और इसको अब भी घर से पकड़ के लेके आया हूँ। यहाँ पर एक जोड़ा है, ये जोड़ा अब भी मैं फिलहाल अभी ये जोड़ा लगाने डाला हूँ। अब जोड़ा तो अभी तक लगा नहीं है, लगेगा तब दिखाएंगे। तो गाइस ये मेरी फीमेल है और इसका जो मेल है वो भी यहाँ पे, ये देखो ये जो फुल वाइट है ना वो मेल है इसका। किराजी जोड़ा है मेरा जो कि अंडे पे आया हुआ है, तो इसके भी बच्चे हो गए। तो एक जोड़ा था मेरे पास किराजी का, उनके बच्चे वहाँ पर, तो मैंने हैंड फीड के लिए निकाला हो वो बच्चे। तो आधे कबूतर तो पिंजरे में और आधे कबूतर यहाँ है, देखते क्या सीन है क्या नहीं। तो गाइस ये लास्ट पैकेट बचा है और यहाँ पे सब तैयारी में कि कब खोल रहा हूँ कब खा रहे हैं। देखो गाइस ये मेरे कबूतर, गाइस ये ब्लैकनर है ना, उसने वो शिराजी के साथ जोड़ा खाया है। और ये एक शिराजी है, ये असली मेल इसका है, इसे थोड़ा बीमार हो चुका है इसलिए इसको अलग रखाओ इसको अलग रखाओ, तो उसने वो नर के साथ जोड़ा खा लिए। और वो एक बच्चा है जो घर में घुस गया था ना वो वाला है, और ये बच्चा जो है वो इसका है पर उसको फीडिंग कराती है दूसरी जोड़ी जो वहाँ पे रहती है शेंडी बॉटम। और ये एक नर है अपना बहुत रावस। यहाँ पे मेरे मुर्गिया है और ये मेरा बड़ा भाई है और ये उसकी बाइक है ड्यूक 125। तो चेक करो साउंड, मेरा वाइफ जा रहा है काम पे। ये एक मुर्गा है वाइट कलर में और इसको नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि वो बड़ा वाला मुर्गा है ना, ये वाला मारता है। और एक मुर्गा है वो रहा, वो ये मुर्गा है ना भाई फुल हार्ड है, ये पहले फुल ब्लैक था अब रेड हो गया है, वो पूरा रेड और चेंजेस हो गए उसमें क्योंकि और अभी तो बच्चा है वो ये मुर्गे का बच्चा है, इसने इसके साथ बच्चा निकाला था वो खा गई वो रही इसके साथ का बच्चा है वो। तो देखते हैं अब, तो मैं अब आ चुका हूँ पीछे कबूतर के पास बैठा हो, अब थोड़ा फीडिंग करना है बच्चों को, फीडिंग करता हो, टाइम हो गया है एक बज गया है, तो नमाज भी पढ़नी है, तो फटफट फीडिंग करते और नमाज पढ़ते और फिर मिलते, ठीक है? तो टेक केयर। तो गाइज फीडिंग हो चुकी है कबूतर की, तो अब मिलते नमाज के बाद, ठीक है? तो टेक केयर, मिलते।
ये इसको भी अपन लेके जाएंगे, इसको पेट भर खिलाएंगे और फिर आएंगे, ठीक है? तो देखते रहो। वहाँ पे है बकरी, तो जाते हैं। तो ये बकरी है इनकी, इनकी बकरी है ये, और ये पूरा खेत जो है वो, ये पूरे खेत के मुखिया है साहिल भाई, और ये बकरी है जो अभी मैं आपको दिखाने आया था। तो इसके साथ और एक लेके आने वाला हूँ, तो जल लेके आएंगे उसको भी, तो देखना उसको भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को। तो पहले इसको देखो, इसका नाम है शिल्पा, इसका नाम है शिल्पा जो भाई ने रखा है, इसका नाम शिल्पा। तो और है 3.5-4 महीने की बकरी है ये, खाने में बेचते वो। शाम के टाइम पे आपको एक बिल्ला व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखो चांद नज़र आ रहा है, दिन के टाइम चांद नज़र आ रहा है, और एक अच्छा सीन है पूरा। देखो चेक करो, देखो पूरा चांद है, पूरा चांद, फुल मून है, फुल मून, अच्छा लग रहा है देखने, दिन के वक्त मून दिखाई दे रहा है, क्या। गाइस अब आ चुके हैं हम लोग बकरी को लेकर, अब करते कबूतर को बंद, और फिर तो कबूतर को बंद करते और जाते इफ्तारी करते, मगरिब की नमाज़ पढ़ते, और मिलते सीधा कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना भाई मेरे को, मिलेंगे फिर से।